नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पिकू Z6 Pro 5G वर्सेस Vivo Y75 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z6 Pro 5G में 6.29 इंच जबकि Y75 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z6 Pro 5G में 2.9 इंच जबकि Y75 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Z6 Pro 5G में 0.33 इंच जबकि Y75 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z6 Pro 5G में 180 ग्राम्स जबकि Y75 5G में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Z6 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z6 Pro 5G में AMOLED जबकि Y75 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z6 Pro 5G में 6.44 इंचेस जबकि Y75 5G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z6 Pro 5G में 1080x2404 और Y75 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z6 Pro 5G में 85.19% जबकि Y75 5G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z6 Pro 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y75 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z6 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Y75 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z6 Pro 5G में Adreno 642L जबकि Y75 5G में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z6 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और Y75 5G में MediaTek Dimensity 700 मिलता है। बात करें RAM की तो Z6 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Y75 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z6 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y75 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z6 Pro 5G में नहीं है, जबकि Y75 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Z6 Pro 5G में Android V12 जबकि Y75 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Z6 Pro 5G में 4700 mAh जबकि Y75 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z6 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y75 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Z6 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Z6 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z6 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10T 5G है, दूसरा Moto G 5G है, तीसरा Oppo F19 Pro Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M42 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।